तो बच्चों अब हम आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए कि आयु के सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। किसी आयु का सहखंडज क्या होता है इसको हम समझें। तो किसी आयु का सहखंडज यानी एडजॉइंट, पहली बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि वह आयु स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग आयु होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का सहखंडज हमें कैलकुलेट करना है तो वह मैट्रिक्स पहले ये देखेंगे हम कि वो वर्ग आयु है कि नहीं। तो एक दिए गए वर्ग आयु ए का सहखंडज यानी ज्वाइंट उसके सारणिक के प्रत्येक अवयव के सहखंड का परिवर्त आयु होता है। परिभाषा ध्यान से आपने ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज फॉर्म में, जनरल फॉर्म में सामान्य रूप से एक मैट्रिक्स आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, वह है ए बराबर A11 A12 फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में A21 A22 उसके स्मॉल लेटर में एलिमेंट्स हैं जो समीकरण नंबर एक में आप देख रहे हैं। तो उसका जो एडज्वाइंट होगा, उसका जो सहखंडज होगा ADJ ऑफ ए लिख पढ़ते हैं इसको, तो एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं C11 C12 C21 C22 और ऊपर डैश यानी उसका परिवर्त आयु, जैसे कि मैं परिभाषा में कह चुका हूं। तो ये आपके दिमाग में ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि ये C11, C12, C21, C22 क्या चीज है। तो जहां आयु ए का सारणिक यदि हम लें तो वो क्या होगा, सारणिक ए बराबर A11, A12, A22, A22 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सारणिक में। तो ये जो अवयव हैं A11 A12 A21 A22 के जो कोफैक्टर्स है, सहखंड है, वो क्या है क्रमशः C11 C12 C21 C22। इसको ठीक से समझे, C11 का कोफैक्टर है, A11 का कोफैक्टर है C11, A12 का कोफैक्टर है C12, A21 का कोफैक्टर है C21, A22 का कोफैक्टर है C22। तो इनकी वैल्यूज कैसे प्राप्त करेंगे, कोफैक्टर हम इन अवयवों का जो डिटरमिनेंट मिला हमको A11 जिसके अवयव है स्मॉल लेटर में, A12 A21 A22, इसकी इसके जो कोफैक्टर्स है C11 बराबर आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि C11 बराबर -1 की घात 1 और 1 2, दो A21 A21 को लेंगे। A21 कैसे लेंगे हम, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे तो डिटरमिनेंट ए के एलिमेंट में हमें A22 नजर आ रहा है। तो C11 को फैक्टर किसका है, A11 का, इसलिए C11 बराबर होगा, यदि हम फर्स्ट रो सेकंड रो को छुपा लेते हैं तो हमें A22 नजर आ रहा है। तो C11 की वैल्यू -1 की घात 2 है तो वो पॉजिटिव होगा, A22 है। C12 किसका कोफैक्टर है, A12 का, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छुपाएंगे तो हमें नजर आ रहा है, आएगा A21 एलिमेंट नजर आया आएगा। तो C12 की वैल्यू आएगी -1 की घात 1 और 2 3, और जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को यदि हम छुपा लें तो हमें डिटरमिनेंट ए के एलिमेंट नजर आ रहा है A21। तो -1 की घात 3 माइनस होगा तो -A21 C12 की वैल्यू है। तो C12 की वैल्यू हमको क्या मिल रही है,
माइनस ए टू वन। अब आइए बच्चों हम कोफैक्टर सी टू वन को कैलकुलेट करें। सी टू वन किसका कोफैक्टर है? ए टू वन का, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम छुपाएंगे डिटरमिनेंट ए में। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सी टू वन का मतलब छुपाएंगे तो हमें डिटरमिनेंट ए का एलिमेंट ए वन टू नजर आ रहा है, और दो और एक तीन, माइनस वन की घात तीन, तो ए वन टू सामने इन टू में लिखा है, और माइनस वन की घात तीन नेगेटिव होगा तो माइनस ए वन टू, तो सी टू वन की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस ए वन टू। अब बच्चों देखिए सी टू टू को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। आपको मैं पुनः बता दूं कि सी टू वन किसका कोफैक्टर है, किसका सहखंड है, तो डिटरमिनेंट ए के एलिमेंट ए टू टू का कोफैक्टर है सी टू टू। तो सी टू टू का मतलब क्या हुआ? माइनस वन की घात चार। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम सी टू टू का मतलब है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिटरमिनेंट ए के सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम छुपाएंगे तो हमें एलिमेंट नजर आ रहा है ए वन वन, तो माइनस वन की घात चार यानी पॉजिटिव आएगा और एलिमेंट क्या नजर आ रहा है? ए वन वन। तो सी टू टू की वैल्यू मिली हमको ए वन वन। अब समीकरण नंबर दो में आपको नजर आ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो सी वन वन सी वन टू रो में है, सी टू वन सी टू टू वन का परिवर्त आयु डैश डैश लिखा है, या उसको हम सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू की पावर टी, टी का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जो मिले हैं उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट होता है, तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे तो सी वन वन और सी वन टू जो आड़े में आपको नजर आ रहा है वो समीकरण नंबर दो में खड़े में नजर आ रहा है सी वन वन सी वन टू, और जो सी टू वन सी टू टू एडजॉइंट ऑफ ए में जो मैं पावर टी के रूप में लिख रहा हूं वो आड़े में नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं उसका ट्रांसपोज कर लूंगा परिवर्त आयु ले लूंगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा, यानी आड़ा वाला सेकंड रो कॉलम खड़े रूप में बदल जाएगा सी टू वन, उसको पढ़ रहा हूं मैं ध्यान से देखिए समीकरण नंबर दो में खड़े रूप में सेकंड कॉलम में सी टू वन सी टू टू है। इस समीकरण नंबर दो में जो वैल्यू हमने निकाली सी वन वन की सी वन टू की सी टू वन की सी टू टू की वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यथावत समीकरण नंबर दो में हम रख देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमें मिल रहा है सी वन वन की वैल्यू कितनी है ए टू टू, और फिर खड़े में सी वन टू की वैल्यू कितनी है माइनस ए टू वन, और फिर सेकेंड कॉलम में एडजॉइंट ए की वैल्यू में सी टू वन की वैल्यू कितनी है माइनस ए वन टू, तो माइनस ए वन टू हमने लिखा। सेकेंड कॉलम में सी टू टू की वैल्यू कितनी है ए वन वन, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू की वैल्यू समीकरण नंबर दो में रखने से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें वो है ए टू टू खड़े में पढ़ रहा हूं मैं माइनस ए टू वन और माइनस ए वन टू और फिर ए वन वन, तो ये किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जिसको अंग्रेजी में एडजॉइंट पढ़ते हैं हिंदी में सहखंडज पढ़ते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए डी जे लिखते हैं उसको, ए बराबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ध्यान से देखिए, मैं कॉलम वाइज पढ़ रहा हूं ए टू टू माइनस ए टू वन स्मॉल लेटर में माइनस
स्मॉल लेटर में A12, स्मॉल लेटर में A11। प्रश्न नंबर 5 जब आपने हल करके देखा तो आपने देखा कि ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ा हमें, तो हमने डिटरमिनेंट ए निकाला और डिटरमिनेंट ए निकालकर उसका आई से मल्टीप्लाई करके हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट की। तो यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं कि आयु ए में जो समीकरण नंबर 1 में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उसमें 9 कोफैक्टर्स होते हैं बच्चों, और 9 कोफैक्टर्स C11, C12, C13, C21, C22, C3, C23, C31, C32, C33, ऐसे 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ते तब जाके हमको एडजॉइंट मिलता। आप करके देखें और प्रश्न नंबर 5 में, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसमें ए का मल्टीप्लाई करें तो आपको ये रिजल्ट जो मैंने शॉर्टकट में प्राप्त किया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डायगोनल में -1, -1, -1, बाकी सारे एलिमेंट आपको 0 नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में, आप ध्यान से देखिए, उससे वो रिजल्ट मिल देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एडजॉइंट निकालने की आवश्यकता इस प्रश्न में नहीं है क्योंकि आपको 9 कोफैक्टर निकालने में काम टाइम लगेगा, ये प्रश्न लेंदी हो जाएगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया गया है, जिस फॉर्मूले का उपयोग किया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई, इस सूत्र का, इस तत्व का, इस फंडामेंटल कंसेप्ट का हमने उपयोग किया है वो आप देख रहे होंगे, और इसको समझने से आप ये आपकी समझ डेवलप होगी कि हमें किस मेथड का उपयोग परीक्षा कक्ष में करना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 प्रस्तुत है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 का स्वरूप आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि ए बराबर 1, 3, 5 रो 1 में है, 7, 9, 10 रो 2 में है, और 1, 2, 3 पंक्ति 3 में है रो 3 में है। पुनः ध्यान दीजिए, ए बराबर 1, 3, 5 रो 1, 7, 9, 10 रो 2, 1, 2, 3 रो 3 में के अवयव हैं, हो तो एडजॉइंट इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मान ज्ञात कीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का फॉर्मूला आपको बताया गया है मूलभूत सिद्धांत में, इस सिद्धांत पर आधारित आपको इस प्रश्न को बनाना होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। अब इसकी उपयोगिता, ये आपको फार्मूला ध्यान भी रखना है, इस पर आधारित एक प्रश्न जो आपको लंबे कैलकुलेशन से बचाएगा, वो आइडिया आपको इस प्रश्न के थ्रू समझ में आएगी। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में आप ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न किस रूप में है, उसका स्वरूप क्या है, और हमको किस तरह से लंबे कैलकुलेशन से बचना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे नोट करेंगे, और उसमें एक आयु हमें ए बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करेंगे, जो उसमें आयु ए हमें दिया हुआ है, और वो है आपका 1, 3, 5 रो में है, और 7, 9 और 10, और इसके अलावा 1, 2, 3। ये आपको स्पष्ट है कि ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम समीकरण नंबर ए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान रखेंगे बच्चों, डायरेक्ट आपको पूछा जा रहा है इनटू ए का मान क्या होगा। अब बच्चे, कुछ बच्चे इस प्रकार के की सोच में होंगे कि इसमें एडजॉइंट निकाला जाए, फिर ऐसे गुणा किया जाए,
तो बच्चों यहां ध्यान देने योग्य बात है, यही कारण है कि क्वेश्चन नंबर 4 पर मैंने ध्यान देने कहा है। उसमें आपने स्पष्ट रूप से देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए किसी आयु का, जो वर्ग आयु है उसका सहखंडज और ए का गुणा किया जाए तो वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। आई उसी ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो एडजॉइंट में आपको मालूम है कि 3x3 ऑर्डर के एडजॉइंट को जब हम निकालेंगे तो 9 कोफैक्टर्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो वो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। उस लंबे कैलकुलेशन से बचने की टेक्निक आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये ध्यान रखेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी ये ध्यान रखेंगे कि आप लंबे कैलकुलेशन से बचने जा रहे हैं बच्चों। वो ये है कि हम एडजॉइंट ना निकालकर सीधा डिटरमिनेंट ए निकालें। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो वो कैसा होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 10 उसी की नकल करेंगे, उसी अवयव की उसी जगह पर हम नकल करके इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। और डिटरमिनेंट के कैलकुलेशन में, सारणी के कैलकुलेशन में आपको मालूम है कि 1 × ये 9 का 4 बनाते, हिंदी का 4 बनाते हुए कैलकुलेशन करेंगे, 9 × 3 = 27, 10 × 2 = 20 और फिर ऋण 3 को हम लेंगे और इसको छुपाएंगे, ये छुपाएंगे इसको, अब मैं पेन रख दे रहा हूँ, 7 × 3 = 21, 10 × 1 = 10 यानी यहाँ 21 × 10 हम लिखेंगे और प्लस फिर ये 5 लिखेंगे और 5 वाले कॉलम को हम छुपाएंगे और हिंदी का 4 बनाते हुए कैलकुलेशन करेंगे, 7 × 2 = 14 और 9 × 9 = 9 तो यहाँ 5 आपको मिल रहा है, वो 14 − 9 आपको मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो कैलकुलेशन है डिटरमिनेंट ए का, सारणिक ए का, जो समीकरण नंबर 1 से हमने देखा, उसके अवयवों को देखा, तो आपको ये जो रिजल्ट मिल रहा है 27 में से 20 गया तो 7 × 7 = 7 −3 है ये, इसका मल्टीप्लाई 21 में से 10 गया तो 11 और धन 5 ऑलरेडी आपको दिख रहा है और 14 में से 9 गया तो आपको गुणा 5 करना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो हमें 7 − 33 −25 और 25 में हम 7 को जोड़ दें, पॉजिटिव नंबर को हम जोड़ दें तो 7 × 25 = 32 −33 होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है 32 में से 33 घटा, माइनस चिन्ह ज़्यादा है तो चिन्हों की गलती नहीं करेंगे बच्चों, −1 होगा। तो इस तरह से हमें डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू मिली है वो है −1, उसको हम समीकरण नंबर 2 कह दें। अब जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमें कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैं ये प्रूफ करके बताया हूँ, इसका प्रमाण आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी यूजफुल है, वो डायरेक्ट होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। और समीकरण नंबर 2 में आप इस सारणिक से जो 3x3 ऑर्डर का है, उस क्रम का है, इस कोटि का है, उसका आपने सारणिक डिटरमिनेंट निकाला है, −1 है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर −1 × i लिखेंगे। और आपको मालूम है कि हमें ऐसे प्रश्न जिसमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो तो हमें i को 3 ऑर्डर का ही लेना चाहिए, वो i3 होता है और वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो 1 1 1 दिख रहे हैं और ये 3x3 ऑर्डर का है। तो निश्चित रूप से बच्चों अब कैलकुलेशन को हम आगे सिंप्लीफाइड करने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू हमको मिल रही है ये −1
गुणा करेंगे हम मैट्रिक्स का 100 010 और 001 से। तो इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की जो वैल्यू है फाइनल रिजल्ट में मिल रही है -100 0 -1। ये -1 का सबसे गुणा हो रहा है बच्चों, -1 का 0 से गुणा हो रहा है तो 0 ही आ रहा है, 1 का -1 से गुणा हो रहा है तो -1 आ रहा है, और ये 0 -1 का गुणा करने पर ये 0 ये 0 तो 0 0, और -1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही उसका मल्टीप्लाई होगा और ये उसका फाइनल आंसर हमको मिल रहा है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसमें इस फार्मूले को याद रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई कितना महत्वपूर्ण है। इसमें हम एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स के है जो 9 कोफैक्टर्स को रखता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 को कैलकुलेट करने से बच गए, टाइम आपका बच गया, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना वो अलग। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में काफ़ी उपयोगी होगा, और बोर्ड में भी आप इसी प्रकार से करेंगे। आप ये मत समझिए कि ये शॉर्टकट है, क्या आवश्यकता है ज्वाइंट ऑफ ए निकालने की जिसमें हमको 9 कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना होगा। इस प्रश्न की ये खूबी है, इसी कारण से हमने क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से चयनित किया है। तो बच्चों आप बात बिल्कुल मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंच गई होगी और आप समझ गए होंगे कि हमें इस फार्मूले को ध्यान रखना है, इसके महत्व को आप समझ गए होंगे।